हमें ये प्रूव करना है नोटिस करो कॉस इनवर्स की टर्म्स एड होके कॉस इनवर्स बन रहा है जब भी कॉस इनवर्स बन रहा हो तो हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं या कॉस ए माइनस बी का अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे ए को हम ये मान लेते हैं कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव बी को मैं ये मान लेता हूँ कॉस इनवर्स ट्वेल्व बाय थर्टीन अब कॉस ए प्लस बी में मेरा कॉस ए साइन ए और कॉस बी साइन भी यूज़ होता है मुझे यहाँ कॉस ए और कॉस बी पता है हम साइन ए और साइन बी निकालते हैं मैं ए को अज्यूम कर लेता हूँ कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव इसको हम पहले सॉल्व करते हैं कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो कॉस ए की वैल्यू आएगी फोर बाय फाइव हमें साइन ए निकालना है साइन ए निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं साइन स्क्वायर एक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्र है कॉस ए की वैल्यू डालता हूँ तो साइन ए आ जाएगा मेरा थ्री बाय फाइव ऐसे ही हम बी को सॉल्व करते हैं बी को हमने अज्यूम किया था कॉस इनवर्स ट्वेल्व बाय थर्टीन कॉस इन को लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो कॉस बी है ट्वेल्व बाई थर्टीन हमें यहाँ पे साइन बी निकालना है साइन बी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन स्क्वेयर बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्र बी कॉस बी की वैल्यू पुट करो तो साइन बी की वैल्यू आती है फाइव बाय थर्टीन तो यहाँ पे कॉस बी साइन बी कॉस ए साइन ए की वैल्यू आ गई हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस ए प्लस बी मेरा ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस और साइन ए साइन बी हम वैल्यू पुट करते हैं तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा मेरा थर्टी थ्री बाय सिक्सटी फाइव तो कॉस ए प्लस बी ये आ गया कॉस को मैं राइट साइड भेजूँ तो ए प्लस बी आ गया मेरा कॉस इनवर्स दिस हम यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ज्यूम की थी तो कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आ गया कॉस इनवर्स थर्टी थ्री बाय सिक्सटी फाइव हमें यही प्रूफ करना था हेंस प्रूफ